सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं WWE 2K22 इन PC। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अपना कंट्रोलर ऐड कर चुका है और मैं दिखा दूं कि जो मैं गेम खेलने वाला हूँ वो डिफिकल्टी रीजन पे खेलूंगा। देख सकते हो रीजन पे क्या मैं अपनी डिफिकल्टी। देखो यार, ईजी गेम खेलने में कोई मजा नहीं है। उधर से तुम मारोगे और वो रिवर्स भी नहीं कर पाए। इसमें खेलोगे तो इधर से वो रिवर्स करेगा और थोड़ा बैलेंस रिवर्सल रहेगा, और तो इधर से तुम पंच मारोगे उधर से वो रिवर्स कर, तो काफ़ी इंजॉयमेंट होती है और काफ़ी मज़ा आता है खेलने में। तो मैं तो यही सेटिंग रखूंगा। और जो हम लोग मैच खेलने वाले हैं वो रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेस्नर होगा, जो कि रेसलमेनिया में, जो कि सबको पता है कि इस साल भी रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेस्नर मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, जो कि काफ़ी बड़ा मैच होगा क्योंकि यूनिवर्सल वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट है कि जो मैच जीतेगा ये वो दोनों बेल्ट रखेगा, तो काफ़ी बड़ा मैच है। तो फिलहाल इस साल की रेसलमेनिया का एरिना तो मेरे पास नहीं है, तो मैं पिछले साल का ही रेसलमेनिया का एरिना यूज़ करूँगा। तो फिलहाल एरिना चेंज करूँ, ये रेसलमेनिया 37 का एरिना, और ये एक्सेप्ट और टाइटल मैच ऑन। तो फिलहाल मैं तो रोमन रेंज को लूँगा और इसका पे बैक क्रिएट कर दूँ। मैं रेजिलियंसी ले लूँगा क्योंकि मुझे पिन में काफ़ी आसानी रहती है इससे। और इधर एक मिनट एक मिनट, मैनेजर तो लिया ही नहीं, पॉल हेमन जरूरी है ना। पॉल हेमन कहाँ है? पॉल हेमन, हाँ ये रहा पॉल हेमन भी हो गया। अब आई पारी ब्रॉक लेसनर की। इस गेम में सबसे ज्यादा ओवरऑल भी रोमन रेंज का, उसके बाद आता है ब्रॉक लेसनर। देख सकते हो 95-94। और चैंपियनशिप, मैंने डबल टाइटल मैच ऑन कर दिया है। रोमन रेंज सेलेक्ट हो गया, ब्रॉक लेसनर, ये रहा ब्रॉक लेसनर भी सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। तो मैं बता दूं कि मैं WWE 2K20 डाउनलोड किया था, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं WWE 2K19 सिर्फ खेला है। ठीक है, अभी तक तो WWE 2K19 ही खेलता आया हूँ। लो एक्चुअली ना, मैंने इंट्रेंस म्यूजिक ऑफ किया है ड्यू टू कॉपीराइट, क्योंकि कॉपीराइट लगने का खतरा था, इसलिए मैंने इंट्रेंस म्यूजिक ऑफ की है। ठीक है, तो इसका जो कंट्रोल है ना वो चेंज है 2K19, क्योंकि 2K19 में सिग्नेचर फिनिशर वाइज देता था, बट इसमें सिग्नेचर RT+X और फिनिशर RT+S देता है, और बहुत काफ़ी कंट्रोल चेंज है। PC में भी चेंज हो गया है। हमारा रोमन रेंज आने वाला है। लो आ गया हमारा ट्राइबल चीफ। आ गया हेड ऑफ द टेबल। वाह, पॉल हेमन बेल्ट पकड़ा है। लो लिया। The following champion versus champion contest is scheduled for ओ and is for the WWE Universal Champion. Introducing the champion, accompanied by his special counsel, Paul Heyman, from Pensacola, Florida. Florida. Weighing in at 260 Lo, to aa gaya hamara Roman Reigns. He is the WWE Universal Champion, Roman Reigns. इसी तरह मैंने Brock Lesnar की भी entrance music off की है, copyright की वजह से. Already cemented himself as an all-time. अच्छा देख रहे हो? प्रीवियस WWE के गेम कंपैरिजन में जो व्यूइंग एंगल है वो भी चेंज किया गया है। इंट्रेंस कैसे देख सकते हो गए? व्यूइंग एंगल पूरी तरह चेंज किया गया और कंट्रोल्स और फिजिक्स पे काफी वर्क किया गया है और ग्राफिक पे तो वर्क किया गया है। पब्लिक चिल्ला रही है, क्राउडिंग ज्यादा है। बहुत से पॉल है, मैंने सीट बेल्ट दिखाओ, अभी वर्ल्ड हेवीवेट डिपोजल तुमको मिलने वाला है इसी तरह दिखाने के लिए। यहाँ पे रोमन रेंज आता हुआ रिंग में, आज देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर को हम लोग एक्नॉलेज कर पाते हैं कि नहीं। रोमन रेंज टाइटल मांग रहा है और ये टाइटल लिफ्ट करेगा इस तरह। For the champion, looking to cement himself as one of the best of this era with a big win tonight. Oh,
वाह यार, तो ट्राइबल चीफ की एंट्रेंस खत्म हो चुकी है, अब ब्रॉक लेसनर की बारी आने की, जो कि अपना वर्ल्ड हेवीवेट लेके आएगा। WWE 2K22 अपना बैनर लगाता है हर से WWE अपने हर गेम में ऊपर एरिना में बैनर लगाता है, वहां पे लिखा था WWE 2K22, देख सकते हो वहां पे भी लिखा था। कट गया सीन। तो यार जिसे इंटरेस्ट नहीं देखना वो स्किप करके सीधे मैच में चले जाना। लो तो आ गया हम लोग का बीस्ट ब्रॉक लेसनर, बीस्ट इनकार्नेट। तो यहाँ पे आता हुआ ब्रॉक लेसनर अपने वर्ल्ड हेवीवेट के साथ, वैसे मुझे ब्रेकआउट का ऑप्शन दे रहा है बट मैं ब्रेक करूंगा नहीं। ओहो, Introducing the champion from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 जो लेटेस्ट में ब्रॉक लेसनर की हेयर स्टाइल है वही डाली गई इस गेम में, पूरा बियर्ड बियर्ड अब चोटी। लो तो ब्रॉक लेसनर अब रिंग में आ रहा है। Brock Lesnar became the one in 21-1 when he ended the Undertaker streak. और वैसे ही दोनों प्लेयर ही अंडरटेकर की स्ट्रिक को एंड किए हैं, तो काफी बड़ी चीज है। It's the main event and the biggest attraction. Look at the size of Brock Lesnar. He looks bigger than ever, guys. टाइटल कॉर्नर में देख सकते हो कि ब्रॉक लेसनर का वहां पे लगा भी है लोगो, लोगो बोले या फिर स्टिकर बोले, पब्लिक से नहीं लगे सुप्लेक्स सिटी। लो तो रेफरी बिल्ड दे रहा है, अब टाइटल चैंपियनशिप लगने वाली है। मैं अपना कंट्रोलर हाथ में पकड़ लूं। प्रोफेसर तुझे बताता हूँ। अरे यार यार रिवर्स क्या मूव, अरे यार ये भी रिवर्स कर दिया। और नो ठग पटका यार, बचा लो ले तो। अरे यार मार रहा है, नो 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 नो, बच गया। ओ नो 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 नो, बीबी ओ नो नहीं कर पाया, पटक दिया यार। और रिवर्स क्या मूव, ओ नो यार फिर पटका। Oh no. अरे फिर उठा के पटका यार, अरे यार मौका दे, पटकता ही जा रहा है। अरे यार मौका तो दे। बचा, मुझे मारेगा और यहाँ पे मैं सिग्नेचर देता हुआ और यहाँ पे मुझे स्टैप करने को देता। अरे यार बच गया, और यप सम ड्रॉप। उठ ब्रॉक लेसनर, बताता हूँ आगे मेरे पास फिनिशर, और ये मैं देता हूँ फिनिशर। ओ नो 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 नो, एक्स 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 एक्स, बच गया ब्रॉक लेसनर यार। सेट उठ उठ उठ, मैंने कहा था ना लीजेंड खेलोगे यार गाइस, सच में बहुत मजा आता है। उठ 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 उठ, ये देता हुआ क्लोज लाइन,
फिन आ गया मेरे पास फिनिशर। ओठ 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 आज तेरी हालत खराब कर दूंगा। ओ नो यार फिनिशर देंगे चलती में। ओ यार एल्बो मार रहा है। नो सुप्लेक्स बच गया। उठ 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 अरे यार मेरे फिनिशर से बच गया फिन। ओ नो नो बच गया। फिन बच गया। ओ नो 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 यार रोप पे फेंक दिया। बड़ा मार। ओ नो फिनिशर के रेडी है वापस कर। बच गया मुझे देगा फिनिशर। भाग्य से ओ आ गया मेरे पास फिनिशर उसका आ गया। रुको उसको उठाते हैं फिनिशर देते हैं। अरे यार पटक दिया मुझे। भाग वहां से। अरे यार ऊपर नहीं। अरे यार इसकी अलग नौटंकी है उतने में उड़ जाएगा वो। और ये फिर मैं फिनिशर देता हुआ। और नो 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 यस जीत गए लोग मैच। वाह यार क्या मैच था। स्टार्टिंग में लगा कि मैच हार गया जिस हिसाब से पिटा रहा था मैं। विनर WWE चैंपियन वन। मैं तो कहा था कि मैं ब्रॉक लेसनर को एक्नॉलेज कर करूंगा सोशल मीडिया में और एक्नॉलेज किया। Yes. दोनों टाइटल मेरे पास आ गया अब। यार मैं स्पीयर का प्लान बना था बट ये रोप पे चढ़ रहा है। गजब हाल है। अमेजिंग मैच के एग्जिट किया जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।